मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की फीसदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बिना ही पंचायत निकाय इलेक्शन होंगे और इस फैसले के बाद अब तमाम राजनीतिक वरिष्ठ अधिवक्ताओं के बयान आना भी शुरू हो गए हैं। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तंखा का ओबीसी आरक्षण मामले में बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी के साथ राज्य सरकार लगातार हमला कर रही है और अब इन्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। उन्होंने साथ ही कहा कि राज्य सरकार शुरू से ही मुझे गाली देती आई है। वहीं इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तंखा ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जा रहा था कि तुम गलत बोल रहे हो, देखिए आज क्या हुआ। तो मैं तो आज भी अनुरोध करता हूं कि अपने इनको पश्चाताप करना चाहिए इनने जो किया है, और जो ओबीसी के साथ इन्होंने जो एक पास एक कोठाराघाती में कहूंगा कि आप समय रहते हुए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो और आप सोचते हो कि आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हो। ऐसा इस देश में नहीं होता, क्यों? हमारे देश में एक संविधान है और हम सब उस संविधान के साथ चलते हैं। सब लंबा समय। साथ ही विवेक तंखा ने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में 15 साल से जो ओबीसी मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, उनसे 2010 से सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से ही लिस्ट बनेगी, पर राज्य सरकार विवेक तंखा की बात मानने की जगह विवेक तंखा का प्रोटेस्ट कर रही थी। समाचार प्लस के लिए जबलपुर से रोहित नैयर की रिपोर्ट।